नव नव है, कभी पुराना नहीं हुआ है। शरीर के लिए तो कह दिया गया, वासांसी जिन्नानि शरीर तो ऐसा है कि वासांसी जीर्णानि, जैसे जीर्ण कपड़े, पुराने कपड़े बदलकर नए पहने जाते हैं, ऐसे जीवात्मा जब तक शरीर से जुड़ता है तब तक शरीर बदलता रहता है, नए कपड़े पहनता रहता है। इसलिए जो बड़े बड़े महात्मा शरीर छोड़ते हैं तो ज्ञानवान कहते हैं कि वो चोला छोड़ गया है, शरीर छोड़ गया है। हम लोग सब चोला छोड़ने में लग रहे हैं अब तक, जब तक आत्मा का विशुद्ध ज्ञान नहीं होता चोला ही छूटता रहता है। कभी बिल्ली के चोले में रहे हम सब में से सब हैं। क्या प्रमाण है कि तो लक्षण ही बताते रहते हैं। जन्म लेते ही महाराज लक्षण है, जन्म लेते ही जो बच्चा हो संभालने पर कोयला और मट्टी खाने लगता है उसका लक्षण है कि ये अंतिम पूरी यौनी भोग के आया, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं कहीं पर अंतिम यौनी सांप की है, तो सांप के स्वभाव को लेके आ गया है, उसको पता कुछ नहीं। इसको प्रमाणित कर दिया विश्वास के मंदिर से गुंजार देते हुए, ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनाचस्तानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। जो प्रकृति स्थानि कर्षति का मतलब है गुण स्वभाव से घिरा हुआ मेरा ही सनातन अंश जीव बना, और फिर उसका परिणाम हुआ गुण स्वभाव से घूमता रहा। कैसे घूमता रहा? आकर चारी लाक्ष चौरासी योनि ब्रह्मत्व ये जीव अविनाशी फिर सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। मानव जीवन में भी गुण स्वभाव से घिरे हुए लोग, कोई मांस खा रहा है, कभी कुत्ता रहा है तो उसको वही अभ्यास है मांस ही खाना, कभी बिल्ली रहा है चूहा खाया तो वही अभ्यास है मैं मांस तो नहीं खाता हूं अंडा खाता हूं, मानो बिल्ली चूहे की जगह अंडा खा, क्योंकि पुराना जो अभ्यास है। इस मार्ग का भी मुझे जो आप देख रहे हैं, मैं कोई आपका इस समय का थोड़ी हूं, तुम्हारे में थोड़ी हूं महाराज। पूर्व अभ्यास जो पूर्व का अभ्यास लेकर के चलने वाले हैं उधर भी गुण स्वभाव घिरा हुआ, कुत्ता रहकर मांस खाया आडी चबाई उसी में उसको रस मिल रहा है, उस कौन समझाएगा उसको? उसके लिए हम लोगों को हार्ड वर्क दे दिया जाता है। संत और सदगुरु जन धारा पे आए हैं, जब से सृष्टि बनी है ये दोनों प्रसंग मिले हैं, अज्ञान ज्ञान बताओ। अज्ञान ना हो तो ज्ञान का मूल्य किसके पास होगा? धनी ना आए तो गरीबी का मूल्य किसके पास है कि गरीब किसको कहते हैं? वो गरीब ना आए तो धन का मूल्य कुछ नहीं, धनी ना हो तो गरीबी का मूल्य कुछ नहीं रखता। दोनों का मूल्य अंकन गुण स्वभाव से भगवान ने बना रखा है। अंधेरे का मूल्य रोशनी ने बढ़ाया, बताया कि अंधेरा क्या है, और रोशनी का मूल्यांकन अंधेरे ने कर दिया कि रोशनी किसको कहते हैं। इसी मैदान जंग में अज्ञान ने ज्ञान का मूल्य बता दिया, बताओ ज्ञान किसको कहते हैं। अर्जुन अज्ञान की भूमि पे है, मानो दृष्टांत है ये। हम लोगों के यहां दृष्टांत कहानी जितनी लगती हैं वो सिद्धांत को पकड़ाने के लिए। मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है कि अर्जुन को मोह हो सकता होगा कभी, क्यों? आगे चलकर एकादश अध्याय में सदगुरु पकड़ा जा रहा है, श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जो कुछ भी प्रसंग है महाराज निमित्त मात्रम, तुम निमित्त मात्र बन जाओ बाकी सब काम मेरा है मैं करूंगा। तो जैसे जमुरे को जादूगर कहता है तू सिर्फ
जो मैं कहूं करता जा, बाकी काम मेरा, मैंने क्या करना। पहले ट्रेन कर रखा है, प्री प्लानिंग हो रखी है उसकी। मीरा को भी प्री प्लानिंग में हम मानते हैं। गिरधर गोपाल से मिली जुली पड़ी है, उन्होंने कह रखा ऐसा कर, ऐसा कर, मैं ऐसा करूंगा, तू ऐसा कर, ताकि भक्तों को पता चले कि इस मार्ग में आने वालों को कितनी कितनी कठिनाइयों का प्रयोग करना, सहन करना पड़ा। जहर पीने लगना, मैं तुझे मारूंगा थोड़ी। जब तू मेरे लिए लग रखी है, मैं अमृत मैं हूं, मेरा प्रसादी भी बन जाए तो विष भी प्रसादी हो जाता। क्या है? तू देख तो सही क्या होता। फिकर मत। उधर भूमिका मिलने लगी तो कई कई को भूमिका दे दी, ऐसा होगा तो मेरे लिए बन मांगना। बस रोई के कही, इतना कठोर कार्य, जहां मैं बाल्यकाल से तुमको स्तन पान कराऊंगी, कौशल्या का स्तन कम पिया सुना, कई कई का खूब पिया, कई कई खूब मानती थी उसको बेटा। वो कैसा कठोर कार्य कर लेती कि उसको बन में, पहले ही से उसको प्री प्लानिंग करके बाध्य किया गया कि तू मां बन करके ऐसा कठोर हृदय बनाएगी, मैंने बहुत बड़ा काम करना है, वो तेरे द्वारा इस तरीके से होगा। बताओ, यही तो कारण था। क्या कारण है इसका? कुछ प्रमाण भी दीजिए कि ये ऐसा हुआ, राम ने करवाया। बताओ कारण है। राम वन में चले गए, सारे प्रसंग छोड़ दे, हम कथावाचक नहीं कि सारी कथाएं लगाए हम तुम्हारे, हमको तो वही करना है जो कहना चाह रहा है, मैं जो कहना चाह रहा हूं। राम वन में गए 14 वर्ष के बाद महाराज, 14 वर्ष तक के कई के द्वारे पर झाड़ू देने वाला नहीं पहुंचा। ये कैसी बेकार औरत है, हमारे सबका प्यारा राम बन में भी प्यारा, निकट होता मां बन कोई देखना ही नहीं पसंद कर रहा। कई अंदर अंदर बैठे बैठे कहती है, मेरे राम लला तू तो मुझे जानता है ना, क्या मैं ऐसा कर सकती हूं, तुमने करवाया है। परसों रात को हमारा 7वां इंजेक्शन लगा, इन्फेक्शन हो गया था, तो हमारे अश्विनी ने कह दिया, प्रधान जी ने, अशोक ने बाबा को ठीक कर दिया। वो बोला मैंने नहीं किया ठीक, इन्होंने ठीक करवाया है मुझसे। मैं तो जो काम करता हूं इनका नाम लेता हूं, जितने प्रेषण करता हूं इनको देखता हूं सामने, लोगों को यहां भी भेजता हूं, पहले वहां चढ़ा मत लेके आओ तब प्रेषण करेंगे, तो मैं इनको कैसे ठीक कर दूंगा। वारे डॉक्टर, तू भी मेरे जीवन का ऐतिहासिक डॉक्टर मिला है। एक वो अर्जुन मिला मैदाने जंग में, जब श्री कृष्ण ने कच्चित पूछा, कच्ची दे तो छुटम पार्थ, फिर हे अर्जुन, ये जो मैंने इतना सब किया मेरे इस प्रसंग से, क्या तुमने ठीक सुना है इसको? ध्यान से सुना, एकाग्रता से सुना, और सुना है तो तेरा रोग क्या है? मोह। क्योंकि प्रथम अध्याय का नाम क्या है? विषाद। किसको कहा मैंने? निराशा। और निराशा में मोह के कारण निराशा हो जाती। मैंने बच्चे को इतना पाला, मोह, मेरी बात नहीं सुनता, निराशा, ये दोनों बन करके निराशा का पूर्ण रूप धारण कर लेते। भीतर मोह होता है, ऊपर से निराशा, बस हाय मारा गया। हम बताओ तो फिर क्या बता रहे थे हम? कई कई प्रसंग पकड़ के रुको, उसी में शराब। तो अर्जुन निमित्त बन जा, जमूरा बनाया अर्जुन को। ऐसे जितने भी महान संत भक्त धारा पर आए हैं, सब जमूरे का ही काम किया उन्होंने, मैं तो जहां तक अनुभव करता हूं। जमूरे को कहीं भेज दो, उसको क्या प्रयोजन है? मैं बचपन में देखा एक खेल जादू, हे जमूरा आ गया, चलाया,
लेट जाओ, लेट गया, चादर लो ऊपर, ले ली। तीन टुकड़े तलवार से करे, खून भी निकला, लोग भागे, हाय हाय ये तो हत्या हो गई। थोड़ी देर में जमुरा उठ पड़ा, डुब्बा लेके घुमा रहा है, रुपया दो दो पांच पांच पैसे मांग रहा, बड़ा आश्चर्य। जब एक साधारण जादूगर सबको आश्चर्यान्वित कर लेता है तो विश्व का जादूगर जब कुछ कर रहा है तो उसमें आश्चर्य क्या है, आश्चर्य हो रहा है हमको, लेकिन जमुरे को आश्चर्य नहीं है, किसी भक्त संत को इसका कोई आश्चर्य नहीं, बाकी तो सब देखते रहते। आश्चर्य बदती तथा चान्या आश्चर्य बच्चे ना शुणोती श्रुतापेन वेद न चाहिए आश्चर्य। कई कई अंदर अंदर बैठे महल में सोच रही है, राम लला भले मेरा जीवन में सारा विश्व मुझे अपमान का भजन बना के रखे, तेरा यश सर्वत्र और फैलता रहे, बेटा मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ। क्यों कुपुत्रो जाए कचित अभी कुमाता न भवती, बेटा कुपुत्र हो सकता है लेकिन सिद्धांत कह रहा है मां कभी नहीं हो सकती, उसके लिए बुरा। क्यों मां का हृदय हर वक्त बेटा के लिए, 9 महीने गर्भ में रखा है, टुकड़ा है उसका, वो उसका हित कैसे चले। एक बार की घटना है, एक लड़का मां को मार के चला है, बम्बे में रहने वाला सर्विस करता था, 50,000 तनख्वाह मारा चला गया। मां ने फिर भी कहा बेटा कहीं रहे भगवान तुमको सुखी रखे, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने पेट में भी तो तेरी लातें सहन करी करी हैं, माई पेट में भी तूने मुझे लातें मारी हैं, मैं कष्ट भुगती रही, क्या हुआ मेरे प्रारब्ध में, पर भगवान तुमको दुखी ना करे। चलो कर्म का फल तो सबके सामने पड़ा होता है हमारा, किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट हो गया लड़के का वहां तो हॉस्पिटल में ही पड़ गया। इधर मां जब खाना खाने लगी, बहू ने कहा, दूसरा लड़का एक घर में था, बहू ने कहा क्या हो रहा है, खा क्यों नहीं, कहता क्या बताऊं खाया नहीं जा रहा है, पता नहीं यहां क्या हो रहा, पता नहीं यहां क्या हो रहा, खाया नहीं। इतने में पीछे से टेलीफोन आ गई कि तुम्हारे रमेश बाबू का डेथ हो गई है, कहते यही कारण था, भोजन अंदर नहीं जा रहा था, कनेक्शन इतना कनेक्टेड होता है, बाप से इतना नहीं मां से होता है बेटे का, क्यों हवा लेने का रास्ता भी पेट के अंदर मां की नाक थी, खिड़कियां जितनी मां की थी वो सब अंदर उसको हवा भी देती रही, उसकी नाड़ी उसको भोजन पहुंचा रही थी, उसके भोजन से उसको भोजन मिल रहा था। बताओ आज भी गर्भिणी मां के लिए वर्जित करते हैं, अगर मिर्च खाओगी तो उसको बच्चे को कष्ट होगा, आजकल की माताएं इसको नहीं जानती हमारे, वो गर्म फगड़म खाओगी तो बच्चे पर असर पड़ेगा, ध्यान से खाओ सात्विक आहार करो बच्चे को कष्ट न हो, क्यों डायरेक्ट सारी नाड़ियां जुड़ी होती। तो प्रसंग उधर उठाएंगे नहीं महाराज, समय देख रहे हम क्या करें, कई कई महलों में पड़ी पड़ी भगवान राम की मूर्ति को रोज सामने रखती है ख्यालों में, राम लला तेरा सर्वत्र मुखी प्रचार हो मेरी शुभकामनाएं, लेकिन ये जो भूमिका मेरे से निभाई है ठीक है, तेरी जैसे मर्जी है कोई बात है, मेरे को सारा विश्व अपमान का भाजन, मेरे अपयश का भाजन बना के रखे, मैं सहन कर सकती हूं बेटा, इस माध्यम से मेरे रामलला का सर्वतोमुखी विश्व में जब तक सृष्टि रहे, पृथ्वी रहे, आकाश रहे, प्रचार हो उसका, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ है। ये यहां साधना में लगी है, उधर सारा का सारा प्रसंग जैसे भरत लाल का चित्र चित्रण कनेक्टेड हो रखा था राम के साथ, कई कई का भी अपना चित्र चित्रित हो रखा था, जब कई कई रोई थी भूमिका देते समय, ऐसी भूमिका कैसे दे दूंगी, उसको चुप कराया, फिकर मत कर मैं जब कह रहा हूं तू तो ऐसे, कई महात्मा ऐसे आते हम
हम कहते हैं बैठो ऊपर, तो कहते नहीं बाबा आपके समकक्ष हम बैठे जाएंगे, हम तो नीचे बैठेंगे। और जो हम कह देते हैं ना भैया हम खुद ही कह रहे हैं ऊपर बैठो, तब वो बैठते हैं। हम जब खुद कह रहे हैं ऊपर बैठो तो इसलिए बड़ों के सामने अशिष्ट चेष्टा नहीं होनी चाहिए, अशिष्ट व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। यदि वो खुद कोई आज्ञा देवे तो फिर उसका उल्लंघन भी मत करो। यदि यथार्थ कोई संत और गुरु तुमको छू गया है, गुरु पितु मात प्रभु की वाणी, करिए जल्दी करो विचार, बिन विचार ये शुभ जानी। देखो रामायण की जानने वाली शुभ जानो उसको। यथार्थ कोई संत और गुरु तुमको छू गया है तो उसके आज्ञा के पालन करने में एक क्षण ही नहीं लगाओ तुम, फिर देखो तमाशा क्या है उसका। क्यों ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। एक शीर्षक मैंने क्षेत्र संन्यास में बनाया जिस पर आनंद लिया मैंने, सब कुछ लूट जाने पर, सब कुछ खो जाने पर, लूट जाने पर, छूट जाने पर फिर भी विश्राम हाथ लगता है तो बहुत सस्ता है। क्या महंगा हुआ विश्राम, क्यों मेरे पे गुजरी, सब लूट गया छूट गया, मैंने नहीं छोड़ा, मेरे में हिम्मत नहीं थी। गोपाल भवन में कैसे छोड़ता, गिरिराज कैसे छोड़ देता, अपना गुरु घर अद्वैत आश्रम अपना इष्ट स्थान गोपीनाथ कैसे छोड़ता, ना जाने क्या क्या मेरी साध थी भीतर, वहां जाऊंगा वहां रहूंगा वहां जाऊंगा, सब छूट कर सब लूट गया। और फिर विश्राम, सुखी न भयो अब ही की नहीं, अब की अनुभव की बात कर रहे हैं, कई चिंतन में लगी है। यदि 14 वर्ष भगवान वन में है, उन्होंने एक तो कैकेयी को हृदय में रखा है, प्रमाणित हुआ वो प्रत्यक्ष, और एक भरत लाल को हृदय में रखा है। क्यों ये यथा माम काम सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हे अर्जुन जो जिस प्रकार मेरा भजन करता है, जिस क्वालिटी का, जिस क्वालिटी का, जिस क्वालिटी, जिस महाराज क्वांटिटी का, मैं भी वैसे ही उसके भजन में लगता हूँ, उससे ज्यादा लगता हूँ उसका भजन करने। मैं सोचता हूँ जितना भजन जितना ध्यान नंदीग्राम में जटाओं के मुकुट को बना करके 14 वर्ष भरतलाल करता रहा, उससे भी ज्यादा राम करता रहा। क्या प्रमाण है, अंतिम विभीषण ने जब कहा कि तुम थक चुके हो युद्ध में, तुम्हारा श्वेत कर्ण देखे मैंने, इतना परिश्रम देखा तो तुम्हारा बन का प्रसंग खत्म हो गया, तो कुछ काल हमको सेवक अवसर मिले तुम यही अब रहो हमारे पास सेवा। तब उस समय आंख की कोर में अश्रु आ गया, मानो चित्र चित्रण हो गया। क्यों उधर भरत लाल की दशा चित्रण कर रहे थे, रहो एक दिन अवधि आधारा, कोई लंगोटिया यार मेरे घर में ठहरा है, कितने दिन ठहरा है, जब जाने लगा है वो दिन हमारा, पता नहीं फिर कब मिलन हो। इतना बातें हुई पर बातें नहीं खत्म हो रही, ट्रेन में बिठा लेंगे तो भी बात करते रहे, फिर लटकते चले साथ बात करते रहे, सलाम मारी गाड़ी से फिर कहा टाटा, मान लिया अभी बात पूरी हुई नहीं लेकिन करनी पड़ रही है टाटा, क्या अद्भुत। उधर यदि 14 वर्ष नंदीग्राम में भरतलाल तपस की भूमि में पड़ा हुआ, जटाओं का मुकुट बांधे, मैं नंदीग्राम भी देख के आया हुआ फैजाबाद, कैसे जीवन काटा होगा, और सारा चित्र प्रतिक्षण का प्रतिदिन का राम के भीतर जाता रहा। यही कारण है कि अंतिम राम के आंख से कोर अश्रु आए, महाराज क्या विभीषण तू भी मेरा भक्त जरूर है लेकिन मेरे पास इस समय और समस्या है ऐसी, अगर मैं अपने समय पे वहां नहीं पहुंचाना तो मेरा भक्त मेरा भैया
पर भक्त मुझे मिलेगा नहीं, फिर क्या करेंगे हम। मैं जानता हूं कि मेरे सामने वो कार्य सबसे ज्यादा इसकी अपेक्षा, राज्य में नहीं बैठे उसका स्वागत नहीं लिया राम ने, एक कारण भरतलाल का, दूसरा कारण केकई का, केकई भी इसी चिंतन में, अब तो आते ही होंगे, अब तो आते ही होंगे। बार बार कहती है रामलला तू तो मुझे जानता है ना कि मैंने जो तुमको बन दिया है तो तुम्हारी इच्छा से दिया है, मैं कैसे चाह सकती हूँ। मेरा स्तन पान करने वाले मेरे बेटा लाडले, माँ का प्यार तुमको नहीं मिला, कौशल्या का जितने मैंने तुमको दिया है क्या तुम स्वीकार नहीं करते हो, कितना प्यार दिया है, तो मैं क्या इतनी कठोरता धारण कर सकती, तुम नहीं करवाई मेरे से तो मुझे करना, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन कैसे न करती। एक तरफ से मैं पुत्र मानती थी, दूसरी तरफ से मैं सर्वस्व तुमको मानने वाली, तुम्हारी आज्ञा का पालन मुझे करना ही करना था, ठीक है जो तू कह रहा कर देंगी। छोड़ो को उधर राम के भीतर भी केके की याद भी बनी हुई है, क्या प्रमाण है, कहते हैं जब लौट के आए हैं ना, चल रहे हैं हजारों की भीड़ पीछे, श्री रामचंद्र की जय, सीताराम की जय, इतना कोलाहल मच रहा है, और राम चलते चले जा रहे हैं, लोगों ने कहा कि सबसे पहले अपनी माँ कौशल्या से मिलेंगे, माँ का हृदय फट रहा होगा, आवाज सुन रही है मेरे राम लल्ला पहुंच चुके हैं नगर में। देखते ही देखते कौशल्या के महल को छोड़ दिया, लोगों ने कहा 14 वर्ष के बन के कारण कहीं भूल गया है अपने महल माँ को, रोको, पर रोकने की हिम्मत किसको है राम को। सुमित्रा का मकान आ गया, उनका शायद ज्यादा प्यार उसने दिया होगा, लेकिन नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा। वो जय जयकार की ध्वनि कई भी सुनी रही थी, रोती भी जा रही थी, मेरे जैसी कठोरता भविष्य में कौन मां धारण कर सकती, तुम्हारी आज्ञा से हुआ है, ठीक ठीक। इधर राम सबने कहा भूल रहा है ये कौशल्या नहीं तो कई इसके सुमित्रा के मकान में तो जाना ही चाहिए, इसको पकड़ो, बताओ कि कौशल्या वहां रो रही है तेरी दी याद में, पर हिम्मत नहीं किसी की, वहां से और स्पीड पकड़ी तेजी से जाती हुई, क्यों ये यथा माम प्रपद्यन्ते के कई चिंतन में लगी है कि जैसे मेरे आगे झाड़ू फैलने वाली नहीं आई हरिजना जो सफाई करते यहाँ पर, हो सकता है लोग राम को रोक देंगे मेरे पास आने के लिए, इसका मुख मत देखो, काली माँ इसके मुख पे पड़ी है, हम सबके प्यारे लाडले राम को इसने वन में भेजा, लोगों के भीतर मेरे प्रति प्रतिशोध प्रतिकार की भावना बनी हुई है। लेकिन देखते ही देखते जब राम भागते हुए के दरवाजे को खटखटा रहे हैं, माँ वारे राम, कोई नहीं जानता तो तू तो सबको ही जानता रहे, कौन इसको जाने का कि कैसा भक्त ये बैठा है यहाँ पर, किसको क्या पता है गीधराज जटायु के रूप में पड़ा हुआ तेरा इतना परम भक्त है, जो लोग उसको अमिष भोगी मानते हैं मांसाहारी मानते हैं उसको तो अंतिम यात्रा दे रहा है गोद में लेटा करके और रो रहा है, न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न गिद्ध को गोद में लेकर स्वयं आंसू बहाते हैं, गिद्ध को गोद में लेकर
क्या कोई जान सकता है कि जिसने न धोती पहन रखी न तिलक कर रखा है न कंठी धारण कर रखी है, अमीष भोगी भी इतना प्यारा है भगवान का, उसको गोद में लेकर वन की यात्रा में पिता की गति दे रहा है, अपने हासे दाह कर्म संस्कार कर रहा है, अपनी जटाओं से उसकी धूल झाड़ रहा है। कौन जानता है भक्त कौन छिपा पड़ा है, इसलिए कई को सेवाय राम के कोई नहीं जान पाया। भक्त का कनेक्शन भगवान से ही होता है। मीरा और गिरधर गोपाल का प्रसंग दोनों के भीतर है, तीसरे का समावेश परवेश निवेश है ही नहीं मालूम। श्याम और सूर का कनेक्शन बना हुआ है, तीसरे का समावेश तो जिसको चाहे तो दे दे, नहीं तो किसी का ही प्रवेश नहीं हो। जब कहा माँ कई उठी लड़खड़ाती, ये तो मेरे लाडले राम की बात, वो तो मुझे जानता है इसीलिए आ गया होगा मेरे पास, मेरे किसी का बस चले उसको आने ही न दे मेरे पास, मुझे वो जानता है कि मेरे से उन्होंने ही जो करवाया मैंने करा, मैंने खुद कुछ नहीं किया। आई आवाज लेते हैं, आई बेटा रुंधे हुए कंठ से जब उठी है, धड़ाम से आंगन में गिरी है, उधर वो गिरी आवाज आई माँ का, राम का हृदय धक धक हुआ, कुंडा खोला, माँ मेरा तुमको चल रहता है प्रणाम, लोग देख रहे ये क्या हो रहा, बेटा आ गया, खूब रोती जा रही है, बेटा आ गया, आपकी कृपा से मेरी परिक्रमा पूरी होगी। तब जब ये कहा तो कैकेयी ने कहा सच सच बता, जय 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 जय, कैकेयी ने कहा बेटा सच सच बता, तुमको ये वलकर वस्त्र किसने धारण कराए हैं? मां मुझे वनवास किसने दिया है? राज्य अभिषेक की सारी प्रक्रिया भंग किसने करी? माँ आपकी आज्ञा। फिर राज्य अभिषेक का अधिकार किसको है? माँ आपको। लो पहला ही तिलक उठा करके वही राज्य अभिषेक करते हुए जिसमें कई ने उसके थे पे लगाया, रहस्य खुला है। अब कितना बड़ा भक्त है, बाहर जाकर के सुना है भगवान राम ने हजारों की जनता से जय घोष बुलवाया, मेरी माँ कैकेयी की बोलो, मेरी माँ कैकेयी की, और रोते भी लगते। इतनी कठोरता धारण करके इसने अपने मथे अव्यस्त ले लिया, मेरे लिए ले लिया, बताओ कहा। तो भगवान भक्त के लिए कष्ट सहन करता है, लेकिन जब भक्त भगवान के लिए कष्ट सहन कर लेता है तो भगवान को भी रोना पड़ता है हमारा। सोचो कैसे रो रहे हैं राम खड़े खड़े पब्लिक, क्यों बड़े होशियार हैं मैं भक्त तेरे प्रभु क्या कहिए, बड़े होशियार भक्त तेरे क्या कहिए, जब वे रोते हैं जब वे रोते हैं तुमको भी रुला देते हैं, जब रोते हैं तुमको भी रुला देते हैं। कौन से भक्त रुलाते हैं भगवान को? अपनी हस्ती तेरे कदमों पे लुटा देते हैं, अपनी हस्ती तेरे कदमों पे लुटा देते हैं, तुम्हें हर तौर तरीके से मना देते हैं, हर तौर तरीके से मना देते हैं, ऐसी आवाज से कहते हैं कि प्रभु आ जाओ, ऐसी आवाज से कहते हैं हमको याद रखना होगा। मैं जाने कितनी प्रार्थना करेंगे भगवान को, लेकिन
एक क्षण पड़ा है प्रार्थना का, जिस समय हमारी लाइन क्लियर होगी, वो भगवान को ऐसे छू जाएगी कि कुत्ते में भी पकड़ प्रकट होकर मेरी रोटी खाता हुआ घृत का कटोरा भी गिला के खाए, क्यों नहीं खाएगा। ऐसी आवाज से कहे ते हैं कि प्रभु आ जाओ, तुम्हें आने के लिए मजबूर बना देते हैं, लगता है भगवान को भी कहीं कहीं मजबूरी पड़ी है। इतिहास बता रहा है स्वतंत्र होते भी कहीं कहीं मजबूरी है उसके सामने पड़ी, स्वतंत्र होते हुए भी मजबूरी है कि आज मैया यशोदा के हाथ से कोमल कोमल कलियों पर बांधा जा रहा था, मजबूरी है भगवान को मजबूरी है। क्यों भक्ति इतनी पराकाष्ठा पर पहुंची हुई है, भक्ति के हर प्रसंग भगवान को सहन हो रहे हैं, सारा विश्व देख रहा है कि जो सबको बांधने वाला होगा, बताओ किसी को कर्म से बांध रहा है, किसी को वचन से बांध रहा है, किसी को मन से बांध रहा है। तुलसी ये तनु खेत है, कर्म बचन मन कर्म बचन किसान, मन कर्म बचन किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, पाप पुण्य दो बीज हैं। सुना है जिस समय मैया बांधने लगी ना, सुना है मैया जब बांधने लगी थी, ऊपर से ऋषि मुनि बड़े बड़े जितने भी देवता थे महाराज कहते हैं मैया बांध के दिखा दू, इसने हम सबको तंग करके रखा, दे बदला हम सबका, हम तेरे साथ हैं पीछे से, हम सबका बदला ले ले, आज हम भी देखेंगे कि कहीं बंदा पड़ा हुआ ये भी, हमको कहां इसने बांध बांध के लाया, आकर चारी ये कहां से बांध के लाया, हमारा काम क्या था, ये कर्माध्यक्ष है, कर्म भी इसने बनाई, मन बुद्धि सब इसकी बनाई हुई है, कहां से आ गए सारे प्रसंग। मैया बदला ले हम सबका, हमारा दिल ठंडा कर दे, आज इसको बांध के दिखा। ऊपर से सब खुश हो रहे हैं महाराज, देवता खुश होते हैं हर बात में, स्वार्थी तो ही महाराज। राम जब राजाभिषेक की बात आई तो राम के लिए देवता सुस्त हो गए, हाँ स्वार्थी है ना, ये राज पे बैठ गया हमारे काम कौन करेगा, उसको बन भेजो, बताओ। जब बन के प्रसंग आया तो देवता बड़े खुश, आहा बड़ा आनंद आ गया, बताओ काम लेना है इन्होंने, उसको बन में भगा दिया, देवताओं ने काम बनाए अपने, कहां ऋषि मुनि बेटे काम करने, सब काम करा उन्होंने पूरा, राक्षस विहीन करूंगा मैं, सब काम लेना था उसे बन में बजा, देवता बड़े स्वार्थी मारे। तो यहां वहां भी भगवान मजबूर होकर बंद तो रहे, लेकिन देवता बड़े खुश हो रहे, शाबाश मैया हम तेरे साथ हैं, आज तक इसको कोई बांध नहीं सका, सबको बांधने में लगा, आज इसको भी मजा आएगा कैसे बंधन होता है। लेकिन वहां भी लीला दिखानी थी एक महाराज, क्या बताएं कैसे बंधे हुए थे, नरकुबर और मणिग्रीव ये दोनों कुबेर के बेटा हैं, मंदांध होकर के, भागवत में इसका प्रसंग आता है, मंदांध होकर के ये अपने नारे थे अप्सराओं के साथ, देवऋषि नारद को देख करके भी इसने लज्जा नहीं खाई, स्त्रियों ने तो वस्त्र पहने नंग धड़ंगे वैसे शाप दे दिया नारद, मंदांध तुम जाके जड़ बन जाओ, वृक्ष बनोगे, रोए गिड़गिड़ाए तो महाराज महात्मा का दिल तो बड़ा कोमल होता, महात्मा कठोर भी बहुत होता है, लेकिन जरा रो लो तो फिर कोमल भी इतना छोड़ यार, जाओ मौत, कोमलता भी उसकी इतनी है कि एक क्षण में, कई प्रसंग हमारे आते थे तो महाराज हम कहते ऐसा करो ऐसा करो, जिस समय वो एक्शन लेते किसी पर चौकीदार वगैरह पर, वो हमारे पास रोता गड़गड़ाता, तो जब हम उसको पैसे अंदर अंदर से दे देते तो प्रधान कहता मेरे लिए ऐसा कहना था, देखो क्यों
संत ही नवनीत समाना, तो यहां भी क्या बताएं आपको, जब देव ऋषि नारद को दया आ गई उस पर, शाप भी दे दिया दया भी आ गई, चलो छोड़ो क्या हो, लेकिन एक काम करो, पेड़ तो तुमको बनाएंगे, शब्द है ऋषि का वचन, लेकिन ऐसा पेड़ बना के रखेंगे तुमको, नंद बाबा के आंगन में पेड़ बनोगे दोनों मिलकर, फिर तो वहां जो है कृष्ण का जन्म होगा, ये सब हो रहा है सब लीला, तो उस संदर्भ में करेगा शरारत लीला उपक्रम में, मैया बांधेगी तुम्हारे साथ, फिर वो अपने पांव मारेगा तुम पे, दोनों पुरुष परम गति प्राप्त कर लोगे, जाओ बड़े खुश हुए, चलो कुछ भी हो पेड़ बनेंगे तो ऐसी जगह कब बनेंगे, कृष्ण का दर्शन हो जाएगा उस, वही हुआ। कहीं कहीं भगवान की मजबूरियां जब देखते हैं तो भक्त को प्रणाम देना पड़ता है, इसलिए संत तुलसी ने निर्णय दे दिया किसी प्रसंगवश, मोरे मन मोह अस विश्वासा, राम से अधिक राम करिदासा, राम क्या करेगा, भक्त जो कर सकता है राम, भगवान क्या कर लेगा, भगवान तो हमारे लेखे जोखा गिनेगा, तुम ये थे तुम ये थे। भक्त कहेगा फिकर मत कर, मैं सेंक्शन कर रहा हूं, जरा मन करके देखे उसका प्रचार ना बंद कर लू, किसी ने देखा नहीं, हम झूठ मूठ लोगों को नचा रहे गवा रहे उसकी ओर ले जा रहे, उसकी कंपनी का उसकी फर्म का प्रचार कर रहे, अगर वो हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर देख लेना, भगवान भी डरते हैं भक्त से, अरे भाई तू जो कह रहा है ठीक है, तू अपना लव प्रचार मेरा कर जा, लगा रे तेरा बाद में मानता हूं। इसलिए संत के पास सरलता है पड़ी हुई, पापी से पापी चला जाए, जब संत रीत गया तो उसको कहता फिकर मत कर, हम देखते हैं फिर तेरा कैसे लड़ते हैं, पुलिस डबल लेंगे हम तुमसे, क्या भी लोग सवेरे 3 बजे कर, बस काम हमारा आ गया है, तेरा सारा काम हम करके दिखाएंगे, बताओ 3 बजे आना पड़ेगा, ये फीस हमारी सड़क में हमारे साथ ऐसे ही घूमना पड़ेगा, तुम फीस कर लेगा कर लेंगे, क्योंकि मरता है क्या ना करता, जो स्वीकार कर लेता है कि पाप हो गए हैं तो वो कहता है जो भी महात्मा कह दे अच्छा फिकर मत करो कर ले, ताकि किस प्रकार हमारा कई रोते रहे। एक भक्त हमारा ऐसा मिला, हमारा नाम नहीं बताएंगे, सवेरे सवेरे वही सेवा में लगता था, एक दिन एकांत पाके जो रोया है महाराज, मेरे हाथ से हत्याएं बहुत हुई है, यूं कहा कोई ऐसा स्पष्ट नहीं कह सकता, मैंने कोई कर्म जीवन में नहीं छोड़ा है, क्या मेरा भी उद्धार हो जाएगा, और ऐसा रोवे ऐसा रोवे, हमको ये नहीं पता था कि ऐसा आदमी है, बताइए रोए को मेरे से बहुत पाप, कोई पाप नहीं छूटा जो मैंने जीवन में न करो, मेरे सामने आजा मिल भी फेल होगा, यहां तक कहा रोया, मैंने धेरी दिया पानी पिला, फिकर मत कर क्योंकि केस तूने मेरे हाथ में दिया हुआ है, फिर फिकर मत कर, मारी फीस तो यही डबल है, पापी से पापी भी की फीस हमारे पास यही है, 6:30 फिर केस लड़ेंगे तेरा, क्या क्यों वकील साहब बैठे हैं एलडी भाटिया हमारे, इनको पता है कोई केस समझ में ना आए तो कानून की पुस्तकें देखेंगे, मैंने वकीलों के घर में जैसे पोत है जैसे लंबे ढेर लग रहे, उनके पास इंडेक्स में सब है, कोई कौन सा केस किस पुस्तक में किस तरह हल हुआ है, इसी के तो रोटी खाते हैं, ऐसे थोड़ी ही लोगों को कोई पैसे दे देता होगा, कैसे लड़ते हैं, हम लोगों के पास कोई केस आ जाए तो हम गीता रामायण की ये कानून की पुस्तकें छाटने लगते हैं कि इसका भी कोई काम हो, इसका उद्धार हो सकता है नहीं हो सकता, कानून में मिला हमको, अपीते तो सुटु राजारो बजते बस, इसी के आधार पर कहते हैं फिगर मच कर, कानून में ये लिखा एक पॉइंट मिल गया हमको, इसी पॉइंट से हम लड़ेंगे, फिर हम जैसा कहेंगे तू बयान बदलना मत अपने, बार बार जो तरीके लगती है ना मैं इसी में पकड़े जाते हूँ, उस दिन तू कुछ कह रहा आज तू कुछ कह रहा झूठा,
एक ने केस लगाया महाराज तू बार बार जब तली लग रही थी तो किसी से 10,000 रुपया ले रखा मुकर रहा। वो गरीब था बेचारा, उसने वैसे रखा था अमानत के रूप में भी मैं ले लूंगा। और सेठ का मना क्या, बड़े बड़े सेठ भी महाराज लोभ में आ जाए तो सोचते ही नहीं कि किसका भी खून चूसने में लगे रहते। मुनकर हो गया सेठ, टाइम ही नहीं दिया। उसने हत्या का दावा ठोक दिया, सेठ जी ने उल्टा उसके ऊपर, देखो मैं कैसे इसका जज्बा ले सकता। जज कुछ समझने लगा कि लगता है लिया इसने, गरीब बेचारा रोता है, रोटी को हैरान है, कपड़े इसके फटे पहने, एक ऐसा झूठ इस पे क्यों आरोप लगा देगा सेठ, उसको नहीं पता कितना बड़ा सेठ है, मार देगा। जज भी बड़े, ये वकील बड़े चालाक होते हैं, ये किस तरीके से युक्तियां लड़ाते हैं। जब देखा कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है, उसे पूछता है, गरीब से पूछता है, उसको सेठ जी से कहा भाई सच सच बताओ किसके सामने तुमने 10,000 इसको दिया है। सेठ जी ने कहा पूछो जरा किसके सामने दिया इसने, कौन देख रहा था, कौन था उस वक्त, कोई तो साक्षी हो बयान दे। गरीब बोला सच बात तो यह है, एक भगवान देख रहा था, एक कुछ समय बिल्ली गुजरी थी और तो कुछ था नहीं, जब बिल्ली का नाम लिया ना सेठ ने मारा थप्पड़, कहां थी बिल्ली उस वक्त। जज ने पकड़ लिया गला सेठ का, दे 10,000 लगाओ हथकड़ी इस पर, ऐसे पकड़ गया ना बयान में वकील साहब बैठे हुए, कहां थी बिल्ली उस वक्त। उसने कहा फिर तो लिया, कब तू कह रहा कहां थी इस बिल्ली उस वक्त। धार पकड़ा उसको 10,000 हाथ के हाथ उसको देना, चेक काट के देना। इस तरह कोई संत और गुरु ढंग का मिल जाए ना महाराज, कैसा भी कैसे ले जाओ कैसे फिकर मत को, पर जो बयान पहले दिन दो ना हमको, जो हम सिखाते हैं तुमको, अगर वो बदलेगा मैं जिम्मेवार नहीं हूं फिर, क्योंकि जीतना बयान से ही होता है। बार बार तारीखे इसलिए लगाई जाती हैं कि एक बार कुछ कह रहा है, दूसरी बार कुछ कह रहा है, तीसरी बार कुछ कह रहा है, तो ये झूठा। एक राजा हमारे यहां कैसे भी हुए हैं महाराज, हमारी भारतीय संस्कृति में, जिनके सामने दो माताओं का झगड़ा पहुंचा, सुनाइए। एक बच्चे पे झगड़ा, बच्चा था बहुत सुंदर बड़ा, एक माँ कहती है मेरा, दूसरे कहती है मेरा, कैसे लग रहा फैसले पर बात ही फैसला ही नहीं हो रहा। राजा धर्मनिष्ठ था, उसने बुलाया इसके फैसले में क्या देरी लगनी है, इधर आओ जैसे क्या क्या फैसला है, ये फैसला ऐसा करो। उसने कहा दोनों केस लड़ रहे हैं ना कि मेरा मेरा, दो टुकड़े कर दो इसके, एक उसको दे दो एक उसको दे दो, झगड़े खत्म करो। साल भर हो गया केस ही नहीं खत्म हो रहा, जिसका था ना जिसका था, देखो वकील कहां से पकड़ रहे हैं। रोने लगी, नहीं नहीं मेरा नहीं है, भीतर भीतर कहती है मेरा बेटा लाडला, कहीं तो तू दिख लेगा मुझको, नहीं नहीं मेरा नहीं, मैंने झूठ बोला, जो मेरे योग सजा होना मुझे दे दो, ये इसका है इसको दे दो। फौरन जज ने फैसला दे दिया, इसका नहीं है तेरा ले जा, बयान से ही पकड़ा गया मामला, इसका नहीं है ले तेरा लेके जा, मैं देखता हूं ये कैसे रोक सकता है। वो माँ कितनी लड़ रही है जो बच्चे को अपने सामने टुकड़े करता देखना चाह रही है, न मेरा रहे न तेरा रहे, बताइए न मैं खाऊ न तू खाए, ये कोई बात असली है। तू कहती कोई बात नहीं बेटा, मैं कहीं ना कहीं सुनती ही रहूंगी, मेरा बेटा कहीं पल रहा है कहीं खा रहा है, कोई बात जैसा मैंने झूठ बोला है मुझे सजा दे दो, पर बेटे के टुकड़े मत करो इसको दे दो। बस निकाल नहीं ये तेरा ले जा, हो गया फैसला ले। तो महाराज ये बयान बड़ा कम करते हैं, बार बार तारीखे लगाने की झुकती होती है इन लोगों की, वकीलों की। इस तारीख को मैं जज तारीखे लगाता रहेगा, कहीं ना कहीं पकड़ एक तरफ हो जाएगी। तो हाँ आजकल तो सत्य का जमाना नहीं, झूठ में भले कुछ हो जाए लेकिन सत्यवान अगर वकील होगा तो बयानों से ही जज होगा, तो बयानों से पकड़ के छोड़ेगा मैं ऐसे नहीं। इसलिए भैया हम लोगों को भी इसीलिए बनाया गया, धरा पर लाया गया, कैसा भी केस आ जाए तुम्हारे पास, अगर आ गया ना, जब मैंने कह रखा भगवान ने कह रखा सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही, मेरे सन्मुख कोई जीव आ जाए तो उसके कोटि जन्म के अपराध पाप खत्म कर देता हूँ मैं अपना लिए। तो क्या भगवान से भक्ति या संत की ऊंची बुद्धि है, गदा जब भगवान इतना कर सकता है तो मेरे पास इसको भेजा इसलिए कि थोड़ा काम कर तू भी दिखा,
पापी से पापी भी आ जाए तो फिकर मत कर। कानून की पुस्तक कह रही है कि सन्मुख हुई जीव मोही जब ही, अब तुम आए हो ना, दिखते हैं फिर कैसे कैसे नहीं लड़ते, लेकिन जो हम कहेंगे फीस देनी पड़ेगी। अब वकीलों की फीस तो अपनी अलग है, तुम लोगों को पता है, लेकिन हम लोगों की फीस तो ये है यार, तू सवेरे 2:30 बजे 3 बजे डेरे पे आ जा, चक्कर काट, यहाँ दरवाजा बंद हो तू भी घूमता रहे, तू कब खुलेगा, कब को ना जाने कब तेरी आवाज लगती है, कब तेरा काम बना सकते हैं। क्या फीस, बड़ी जबरदस्त फीस है महाराज, गुदगुदी से या को छोड़ करके चले आ रहा, फीस नहीं, अब इस समय तुम फीस दे रहे हो तो काम तो चला रहे हम तुम्हारा, कौन ऐसा होगा इस ठंड में महाराज, सवेरे सवेरे पागल कुत्ते ने जैसा काटा, कोई कौन से भागता आ रहा है, कोई कहां से भागता आ रहा है, ठंडी नहीं खा रही उनको, तो इसको हम लोग केस दे रखा है, तू सोचो जो फीस मांग रहे हैं ऐसी, तो चलो इनको ऐसी फीस दे, देखे हमारा काम बना, इस आशा पर तुम घूमते रहे तो यहाँ पर हम नहीं जानते। हाँ लेकिन अपिते तो सुदूराचारो भजते क्षिप्रम ओम गीता शास्त्र या पठेत् प्रयापमान वेषणो पद्म।